आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से 400 किलोमीटर रेंज वाले एक सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अप्रूव किया जाएगा। ये न्यूज़बिट ANI की तरफ से शेयर की गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये प्रोग्राम अप्रूव कर दिया जाएगा। आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर किस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स क्या हैं और जो अपडेटेड डिटेल्स आई हैं उसके बाद ओवरऑल क्या पिक्चर बनती है। अगर इस समय सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सेगमेंट की बात की जाए तो DRDO ने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनके रिजल्ट्स काफी सक्सेसफुल रहे हैं, चाहे वो कम दूरी पर मार करने वाली V-SHORAD हो, क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो, आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो, आकाश NG हो या ज्वाइंट वेंचर में बनाई गई BARAK-8 हो। वहीं पर एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, जिसको दो फेजेस में 4 मिसाइल सिस्टम्स के साथ में किया जा रहा है, या फिर एंटी सैटेलाइट वेपन हो। आज की तारीख में DRDO की तरफ से इन दोनों सेगमेंट में अपनी हर एक मिसाइल सिस्टम को मास्टर कर लिया गया है और इसी वजह से इस समय अगर गैप्स की बात की जाए तो 150 किलोमीटर रेंज से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज की जो सेगमेंट है उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। DRDO की तरफ से इस सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए एक्सटेंडेड रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम प्रपोज किया गया था। देखिए, ये प्रपोजल साल 2020 में रेज किया गया था और उस समय DRDO की तरफ से केवल एक मिसाइल सिस्टम प्रपोज की गई थी। इस प्रपोजल के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम 150 किलोमीटर दूरी पर फाइटर जेट साइज के टारगेट को मारने में सक्षम होती और स्लो मूविंग टारगेट्स जैसे कि बॉम्बर, रिफ्यूलर या एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर मारे जा सकते थे। ये स्कीमेटिक जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है, ये बेसिकली DRDO की वेबसाइट से ली गई थी, लेकिन प्रपोजल के कुछ समय के बाद तक भारत सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम अप्रूव नहीं किया गया था, जिसके बाद DRDO की तरफ से XR-SAM प्रोजेक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर से हटा दिया गया था। अगर आप इस स्कीमेटिक को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि DRDO की तरफ से डिजाइन के ऊपर काफी हद तक काम किया जा चुका था और नॉर्मली DRDO को एक्चुअल फंडिंग चाहिए होती है जब सिस्टम का फैब्रिकेशन करना होता है। एनीवेज, उसके बाद ये प्रोग्राम ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि इसी बीच DRDO की तरफ से एक मास माउंटेड एंटेना बनाया गया था जिसकी एंड एप्लीकेशन XR-SAM थी। हालांकि इसको निर्भय की ट्रैकिंग के लिए यूज किया जा रहा था और उस प्रोग्राम से फंडिंग यूटिलाइज की गई थी। पिछले साल DRDO की तरफ से इस प्रोग्राम को दोबारा पुश किया गया था और इस बार इसमें 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स प्रपोज किए गए थे। पहली इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर की होती और दूसरी लगभग 300 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा की होती। देखिए, उस समय आइडिया था कि एक नई इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम बनाई जाएगी जिसमें 2 पल्स का प्रयोग किया जाएगा और ये लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगी। BARAK-8 और आकाश NG के बाद में DRDO के पास में हर वो नीडेड टेक्नोलॉजी थी जो एक डुअल पल्स मिसाइल सिस्टम को बनाने में चाहिए और BARAK-ER वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पर नीचे की तरफ एक बड़ा बूस्टर लगाकर इसी मिसाइल सिस्टम को और लंबी दूरी पर मार करने की क्षमता दी जानी थी। ANI की रिपोर्ट के हिसाब से अब जो प्रपोजल दिया गया है उसको जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अप्रूव कर दिया जाएगा और इस प्रपोजल के हिसाब से यहाँ पर 3 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स हो सकते हैं। जहाँ शुरुआती प्रपोजल 150 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम का था, वहीं पर रिवाइज प्रपोजल लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल सिस्टम्स का था और अब यह प्रपोजल 400 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल सिस्टम का हो गया है। और इसी वजह से अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक्चुअली फंड्स अप्रूव किए जाते हैं या फिर अगले साल फिर से DRDO की तरफ से एक और प्रपोजल जाएगा जहां पे मिसाइल सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर की होगी। कई बार ये फंड अप्रूवल की स्थिति जो भारत सरकार की तरफ से बनाई जाती है उसको देखकर बुरा लगता है और हंसी आती है जब लोग DRDO और DARPA को कंपेयर करते हैं। मैंने रिसर्च इंडस्ट्री में काफी समय से काम किया है और मैंने ऐसी कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी है जिसकी फंड्स को लेकर इस तरीके की हालत हो। एनीवेज, क्या फर्क पड़ता है, सरकारी कंपनी है, चलिए गाली देते हैं क्योंकि कूल लगेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए Alpha Defense।